यूं तो बिहार की धरती से अनेकों रत्नों ने जन्म लिया है। सबने अपने कर्म और हुनर से सिर्फ बिहार ही नहीं वरन विश्व भर में भी बिहार का नाम रोशन किया है। रूबरू बिहार की इस श्रेणी में आज हम बात करेंगे बिहार के तेजी से उभर रहे युवा क्रिकेटर ईशान किशन के बारे में, जिन्होंने बेहद कम समय में क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ईशान किशन ने महज 20 वर्ष की उम्र में ही वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जो बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं कर पाए। बेहद प्रतिभावान क्रिकेटर ईशान किशन मूल रूप से बिहार के राजधानी पटना के रहने वाले हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को पटना में हुआ था। उनके पिता प्रणव पांडे पेशे से बिल्डर हैं। ईशान के बड़े भाई राज ने ईशान को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था। ईशान किशन की दिलचस्पी क्रिकेट में शुरू से थी, परंतु बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के मुद्दे और राजनीति के कारण ईशान ने पड़ोसी राज्य झारखंड से क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया। ईशान किशन के खेल से प्रभावित होकर उन्हें दिसंबर 2015 में अंडर 19 विश्व कप 2016 के लिए चयन किया गया। इस टूर्नामेंट में ईशान को कप्तान के रूप में चुना गया। ईशान एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। ईशान किशन पूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते हैं। ईशान किशन ने अपनी प्राथमिक क्रिकेट झारखंड के घरेलू टीम के तरफ से खेला। वर्ष 2015 में ईशान का चयन बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप के लिए हुआ, जिसमें उन्हें कप्तान बनाया गया था। ईशान किशन का चयन वर्ष 2016-17 आईपीएल में गुजरात लायंस के लिए हुआ और उन्हें गुजरात की तरफ से खेलना शुरू किया। 2018 के आईपीएल में ईशान किशन का चयन मुंबई इंडियंस के लिए हुआ। ईशान किशन अभी मुंबई इंडियंस के तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। अभी हाल ही में ईशान किशन ने आईपीएल 2018 के एक मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अंधाधुंध खेलते हुए महज 17 गेंदों में 50 रन बनाया। ईशान किशन ने वर्ष 2016 में रणजी टूर्नामेंट में झारखंड की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ सबसे ज्यादा 273 रन बनाया था, जो कि झारखंड से की तरफ से बनाया हुआ पहला सर्वाधिक व्यक्तिगत उच्चतम स्कोर था। ईशान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तारीफ उनके आलोचक भी करने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।